नमस्कार दोस्तों, क्विक सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप ई विद्यावाहिनी के वेबसाइट में यदि आप अपना पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। यदि किसी कारणवश से आपका पासवर्ड किसी को पता चल गया हो, या फिर आप जो है कि आपको अपना पासवर्ड याद करने में परेशानी हो रही हो और आप अपना पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या प्रोसेस फॉलो करना होगा, आपको कहाँ जाना होगा, किस तरह से आपको पासवर्ड चेंज करना होगा, यह मैं इस वीडियो में कम्प्लीट बताऊँगा। तो इस पूरी जानकारी को जानने के लिए इस वीडियो को आप अंतिम तक जरूर देखें। तो यदि आप पासवर्ड चेंज करना जा रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ई विद्यावाहिनी के वेबसाइट में लॉगिन करना होगा और आपको अपने डैशबोर्ड के होम पेज पर जाना होगा। जैसा कि आप अभी मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ऑलरेडी मैंने यहाँ पर लॉगिन किया हुआ है और अभी मैं अपने डैशबोर्ड पर अवेलेबल हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको राइट साइड में यहाँ पर देख रहा होगा, यहाँ पर दो सेटिंग्स का आइकन यहाँ पर देख रहे होंगे, आपको इस सेटिंग्स के आइकन में क्लिक करना है। जैसे ही आप इस सेटिंग के आइकन में यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पर नज़र आएगा प्रोफाइल अपडेट का ऑप्शन, टीचर स्कूल यूज़र मैनुअल का ऑप्शन, और सबसे अंतिम में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपके पास अवेलेबल है चेंज पासवर्ड का ऑप्शन। तो आपको क्या करना है, इस चेंज पासवर्ड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस चेंज पासवर्ड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चेंज पासवर्ड का पेज ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख रहे हैं कि पहला जो ऑप्शन है वह है ओल्ड पासवर्ड का। आपको यहाँ पर क्या करना है, आपका अपना जो भी पिछला पासवर्ड है आपको उसको पहले इनपुट बॉक्स पर इंटर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन जो है वह आप देख रहे हैं न्यू पासवर्ड का ऑप्शन है। आप यहाँ पर उसको क्या करेंगे, अपना न्यू पासवर्ड जो भी आप रखना चाहते हैं उसको यहाँ पर आप एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपको अगला ऑप्शन यहाँ पर आप देख रहे हैं, यह है कंफर्म पासवर्ड का। उसके बाद आपको क्या करना है, आप कंफर्म पासवर्ड में अपना पासवर्ड को न्यू पासवर्ड को फिर से एंटर करेंगे और कंफर्म करेंगे। आपको यह ध्यान रखना है कि आपका न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड जो है कि एग्जैक्टली मैच होना चाहिए। यदि आपका यह दोनों फील्ड वैल्यू अगर आपका मैच नहीं होता है, यदि आप जो नया पासवर्ड रखना चाह रहे हैं दोनों फील्ड में अगर सेम एंटर आप नहीं करते हैं तो आप अपना पासवर्ड चेंज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आपको फाइनली क्या करना है, आपको इस सबमिट बटन पर यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे कि अभी आप मैं यहाँ पर दिखाने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने अपना ओल्ड पासवर्ड और न्यू पासवर्ड भी यहाँ पर एंटर कर दिया है। उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, इस सबमिट बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा कि आर यू श्योर वांट टू सबमिट। अगर आप करना चाहते हैं सबमिट तो यस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो आप कैंसिल पर क्लिक करेंगे। जैसा कि मैं अभी अब सबमिट करना चाहता हूं तो यहां पर इसमें क्लिक करूंगा। जैसे ही आप यस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने यहां पर मैसेज आ जाएगा कि पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली। तो इस तरह से जो है कि आप अपना ई विद्यावाहिनी का वेबसाइट में अपना पासवर्ड चेंज इजीली कर सकते हैं। उसके बाद आप फिर से जो है कि वापस आप लॉग आउट हो जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना होगा, फिर से आपको नए पासवर्ड के साथ जो है कि आपको अपना लॉग इन करना होगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो के द्वारा आप सभी को मालूम चल गया होगा कि आप अपना ई विद्यावाहिनी वेबसाइट में पासवर्ड आप चेंज कैसे कर सकते हैं, कैसे पासवर्ड को आप अपना अपडेट कर सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और लोगों को भी और टीचर्स को भी पता चल सके कि ई विद्यावाहिनी के वेबसाइट में पासवर्ड अपडेट या फिर पासवर्ड चेंज कैसे करते हैं। तो इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए धन्यवाद। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जब भी हम कभी स्कूल से रिलेटेड कोई भी नया वीडियो लेकर के आएं तो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।